कोई नहीं, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता है भैया। स्वर्ग नरक जो करना है यहाँ पे वो करना पड़ता है। जो किया है ना आपने, अच्छा किया है तो अच्छा आपको यहाँ पे भुगतना पड़ेगा, बुरा किया है तो आपको यहाँ भुगतना पड़ेगा। रही बात फिर कहते हैं कि ऊपर मरने के बाद ऊपर जाके नरक देखना पड़ता, नरक स्वर्ग देखना पड़ता, सब फालतू की बातें हैं। ऊपर कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, यहाँ तो सिर्फ आत्मा ही जाती है, आत्मा ही दूसरे में तुरंत विलीन हो जाती है, बाकी सब फालतू की बातें हैं। मैं तो ऐसी बातों को स्वर्ग नरक किसी को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ ये मानता हूँ जैसी करनी वैसी बननी, जो यहाँ जैसा करेगा उसको यहाँ यहीं भुगतना पड़ेगा, चाहे वो आज भुगते चाहे कल भुगते चाहे परसों भुगते, एक ना एक दिन उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी। गरीब के भी तकदीर में वो है जो वो करेगा, अमीर के तकदीर में भी वही है जो वो करेगा। ठीक है, मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है और मैंने मेरी ज़िंदगी के अब तक इस डेट तक ज़्यादा मेहनत गुन्ने से 1000 डेट वीडियो को अग्नि दिलाई। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है और मैं चांदपुर शमशान घाट में रहता हूँ और आज मेरी ज़्यादा भी नहीं तो आज 30-35 साल की उम्र है। इस दरमियान में मैंने कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो बहुत सी बोरियाँ जला चुका हूँ, ऐसी बात नहीं, और जला मेरे वर्कर्स हैं वो जलाते हैं और आगे तक मैं ये सेवा करता रहूँगा। मेरा जन्म और प्राण और मरण भी यहीं पे हो जाएगा और आगे भगवान की इच्छा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बॉडी जल नहीं रही है सही से या दिक्कत आ रही है जलाने में, कब तो उस समय में क्या करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं? उस समय के अंदर दिक्कत तो हमको बहुत आती है, लेकिन अब क्या करें, लेकिन उसको जलाना तो पड़ता ही है। तो क्या मतलब दिक्कत उसमें असल में आती क्या, दिक्कत होती क्या? फिर और लकड़ियाँ ला के लगा देते हैं उसके अंदर, और लकड़ियाँ मंगवा देते हैं, और लकड़ियाँ ला के उसको जलाना पड़ता ही है। अच्छा, अब वो उनके परिजन को तो बुलाए नहीं कि भाई तुम आओ उनको जलाओ या वापस लकड़ी लो, हम यहाँ से लकड़ी लेकर हम जला देते हैं, हमारे कर्मचारी होते हैं वो जला देते हैं, और बाकी क्या है लकड़ी के जो लग जाते हैं ऐसे। तो क्या हमारा, हमारे 3 दुकानदार हैं, हम आज से नहीं बहुत पहले से, हमारे मम्मी पापा दादा दादी सब थे, जब से कोई गरीब लावारिस डेड बॉडी कोई आ भी जाती है ना तो उनको लकड़ी हम फ्री देते थे। इसलिए गवर्नमेंट नगर निगम उन्होंने हमको यहाँ पे नियुक्त इसलिए रख रखा है। आज मेरी उम्र हो गई 35-30 के करीब, छोटे से बड़ा हो गया, मेरी नज़र में अभी तक तो 3 पीढ़ी गुजर चुकी है, अभी तक तो ऐसी कोई बात दिक्कत वाली बात आई नहीं, आगे श्री राम जी की कृपा। और बाकी लकड़ी कोई बच जाती है डेड बॉडी तो लकड़ी दे देते हैं, वो लकड़ी से बेचारे कर्मचारी जला देते हैं। आज भी वही है, आज अगर कोई आ जाता है तो हम उनसे पैसे नहीं लेते। हाँ, ऐसे दानदाता लोग खूब हैं ऐसे जो वही ये कहते हैं कि भैया इनके पास लकड़ी के पैसे नहीं हो तो हमसे ले लेंगे, तो हम पहले उनको बोलते हैं, अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, वो नहीं देते तो फिर हम लकड़ी देते हैं, 1 रुपये भी नहीं देते। कोई गरीब आ जाता है, गरीब के हैं, जो अमीर आता तो अमीर, मैंने बताया ना जैसे अभी अमीर आता तो अमीर के तो साहब 100 आदमी आ गए हैं, उसके तो 2 बताने वाले भी आए थे, गरीब का है कौन बताने वाला, गरीब तो बेचारा वो तो रो रो के मर जाएगा, उस परिजन को संभालता संभालता बस उसको संभालता संभालता मर जाएगा वो, तो गरीब के साथ में कौन है? गरीब के साथ में तो बेचारा वही आएगा जो उसकी भावना को समझता है, उसकी आत्मा को समझता है, और अमीर के तो हर कोई चल जाएगा। तो अमीर में गरीब में ये है असमानता। कुछ करते हैं लेकिन होता क्या है, वो करते कपाल क्रिया होती है। वो क्या होती है? वो कपाल क्रिया होती है जिससे क्या है कि वो जब रामचंद्र जी के पिताजी खत्म हुए थे ना, अपन को भी मालूम नहीं है लेकिन अपन ने तो सुना है, जब रामचंद्र जी के पिताजी खत्म हुए थे उस टाइम पे उन्होंने ये कोई सिस्टम किया था कपाल का, नारियल लगा के सिर फोड़ना, उस दिन से ये प्रथा चलती आ रही है, कपाल कराना अनिवार्य होता है। तो उससे टूट जाता है? हाँ, फिर पक जाता है ना वो। कपाल कराने ही से क्रिया होती है? कपाल कराने से ही क्रिया होती है, कपाल क्रिया उसी को ही कहते हैं, उसके फिर क्रिया उसी से स्टार्ट होती है, या 11वां 12वां ये बात, जिसका कोई है नहीं उसके लिए आप करते हैं? उसके लिए तो अपन है ही नहीं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ठीक है, स्त्री से कोई गरीब आ जाता है उसके लिए अपन, कोई गरीब आ जाता है तो मतलब बताए ना आपको फर्क क्या होता है, जैसे जैनियों में होता है, जैनियों में कपाल ही नहीं कराते, ओह जैनियों में अस्थियाँ चुगने नहीं आते, तो क्या करते हैं? पड़ी रहती, बस पड़ी रहती है वो। अच्छा, हाँ, नहीं करते नहीं, सिंधियों में वो माथा नहीं फोड़ते, कपाल ही नहीं कराते, कपाल क्रिया नहीं कराते, तो उनका तो फिर बच जाता होगा वो? नहीं, वो तो लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं पर वो कपाल नहीं करवाते, जैनियों में है वो कपाल कराते हैं पर वो अस्थियाँ लेके नहीं जाते। तो फिर अस्थियों का क्या करते हैं? वो पड़ी रहती है बस, बस वो तो उसी दिन कह देते हैं भैया तू तेरे में मेरे, न तेरा मेरा कुछ लेना देना नहीं है भैया, आज
आज ये है जो कुछ है, आज के बाद में तू तेरे और मैं मेरे, कुछ ही लेना देना नहीं। जैसे SMS में है तो SMS में उसके कोई वारिस नहीं होता है तो वो लाभार्थी घोषित कर देते हैं और वो ले आते हैं यहाँ पे लाने के बाद में अपन दे देते हैं लकड़ियाँ और दान, जैसे बताया ना, जैसे दान दाता सड़क से भी आती है ना है? सड़क से भी आ जाती है तो अब ये तो पुलिस वाले ले आते। अच्छा, कभी कभी ये भी होता होगा कि नाम पता नहीं होता होगा। अपन जैसे मुसलमान निकला तो अब निकल गया, लेकिन अगला तो लावारिस में आ गया तो आ गया, तो उसमें आप कह देते हैं कि उसमें कोई तकदीर माते पर लिख रखा नहीं कि भाई ये मोमदन है। अब वो तो लावारिस घोषित हो गया, लावारिस घोषित में चाहिए वो तो इधर भी देते हैं, वो चाहे मोमदन हो चाहे हिंदू, वो तो भेज देते हैं इधर ही। आज दाग लगा दिया, डेड बॉडी वो जला दिया, लकड़ियों पर लेटा के जला दिया। अब जलाने के बाद में उनके परिजन सब चले गए तो उस डेड बॉडी को संभालने के लिए 2-3 आदमी हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में वो हर एक घंटे में उसको चेक करते हैं कि मिट्टी ख़त्म हुई कि नहीं हुई। जब तक वो ख़त्म नहीं होती जब तक वो उसको संभालते हैं, संभालने के बाद में फिर जब वो ख़त्म हो जाती है तो उस पर जाल रख देते हैं फिलहाल। हाँ, जाल, जिससे कोई जानवर उसको बेकार ना करे। अब अभी तो फिलहाल जाल नहीं है, तो जाल नहीं है तब क्या करें, उसका क्या करें, तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। तीसरे को रोज आते हैं, वो तीसरे को आराम से अपना काम करते हैं, अस्थियाँ चुग लेते हैं, आराम से चुग चुका के पंडित द्वारा उसका विसर्जन, मतलब नीला दुला के दूध दही से पंचामृत से दुला दुलू के और उसको अच्छी तरह से मतलब थैली के अंदर डाल देते हैं अस्थियों को। और फिर हरिद्वार जाने वाला हरिद्वार जाओ, पुष्कर जाने वाले पुष्कर जाओ, जैसी जिनकी शर्त। क्या नाम है, छोटा से बड़ा यहीं पर हो गया। और जहाँ तक मेरा अंदाज है कि एक बार एक कैसा ऐसा केस आया था कि डेड बॉडी आ रही है और आने के बाद में उसको लकड़ियों के ऊपर लेटा भी दिए और अचानक उसके अंदर सांस आने लग गई, धड़कने चालू हो गई। फिर उनके जो वो थे ना, क्या कहते हैं उनको, परिजन वगैरह डॉक्टर को लेके आए। डॉक्टर ने बोला कुछ अंश था जो बच गया, बाकी ऐसा लेना देना कुछ भी नहीं है। और कुल मिला के डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। ऐसी बात मेरी नज़र के अंदर है, मैंने ऐसी बात नहीं देखा है। मैंने सड़ी हुई कटी हुई, जैसे एक बार एक केस ऐसा आया था ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर, जो एकदम सिर अलग, हाथ अलग, पैर अलग, और एक बार तो सिर्फ पैर पैर ही आया था। अरे बाप रे, एक बार तो सिर्फ पैर पैर ही आया था, वो परिजन लेके आए थे, ट्रेन एक्सीडेंट का था वो, और सिर्फ पैर पैर ही मिला था। उस पैर पैर को ही यहाँ पे जला के गए, उसी को उसने इंसान माना कि ये हमारा इंसान, हमारी नज़र के सामने जल गया। सिर्फ पैर के अलावा कुछ भी नहीं बना। और एक ऐसी मिली कि उसके अंदर सबके इससे अलग थे, हाथ पैर मुख सिर सब अलग थे, मतलब पोटली में बांध के लाते हैं ना, जैसे पोटली में बांध के लाए थे उसको। पोटली में बांध के लाने के बाद में लकड़ियों के ऊपर ऐसे कैसे उन्होंने रख दिया, रखने के बाद कर्मचारियों ने उसको जला दिया। अब जैसे मान लो जैसे अमावस की रात होती है, अमावस की रात बहुत बड़ी होती है, या तो दिवाली को आती है ना, और अमावस की जो रात होती है उस समय में ये 12 बजे के करीब ऐसा टोटका होता है कि ये 12 बजे के बाद ही काम होता है इसका, सबसे जी 12 बजे के बाद में होता है। लेकिन हमारी नज़रों के अंदर हम ये काम नहीं होने देते, हमारी नज़रों के सामने अगर कोई काम होता है तो उसको हम भगा देते हैं। शास्त्री नगर थाना अपने पास में पड़ता है, वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई भी बात होती है तो हम उनको भगा देते हैं। किस काम की बात कर रहे हैं हम, क्या कैसा काम होता है? जादू टोने के अंदर जैसे मान लो कोई एक वो तवा नहीं होता है, मिट्टी का तवा होता है, उसके ऊपर सिंदूर लगा दिए और उसके अंदर अंडे रख दिए, कोई वो मूंग के दाने रख दिए, काले मूंग के दाने रख दिए हैं, उसके अंदर कोई मांस वगैरह वगैरह कुछ रख देते हैं, हैं तो कुछ कीले वगैरह भी रख देते हैं, ऐसे करके इस तरीके से ये कोट जादू टोने का काम करते हैं। चिता में फेंक देते हैं, कोई गाड़ी देते हैं, तो ये इस तरीके का काम करते हैं जादू टोने वाले, इस तरीके का काम करते हैं। तो वो हमारी नज़रों के सामने तो हम होने नहीं देते, और पीछे से वो कर जाते हैं। अब जैसे मान लो सर्दी के टाइम में आदमी 12 बजे तक कौन बैठा रहेगा, आदमी सर्दी के अंदर जा सकता 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, उसके बाद तो वो कर जाता है, तो ये 12 बजे के बाद में भी काम हो सकते हैं। तो अपन अपनी नज़रों के सामने नहीं होने देते जादू टोने। तो ये होती है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि लोग करने वाले करते हैं, लेकिन ये होता क्या है मतलब इससे? मतलब इससे कुछ ही नहीं होता है, जो होना होता है सब भगवान करता है। मैंने तो सोच लिया भाई आपका बुरा करना है, तो मैंने तो कर लिया आपकी बुरा, लेकिन अब ये शख्स बुरा है, तो ये शख्स बुरा है, तो इससे पहले देखो आप ये तीन उंगलियाँ मेरी तरफ की, मैं आपसे ज़्यादा मैं बुरा हूँ। और फिर ये कहता है कि मुझसे तो डर, सबसे बड़ा मालिक, सबका मालिक एक,
अभी कोई भी बात होती है कि यार ये कौन सा आदमी आप मुझे बताओ, तो मैं बता दूंगा आपका नाम कि साहब ये शख्स है जो ये काम करता है। लेकिन उससे पहले तीन गुने अपन भी तो बुरे हैं, अपन कौन से दूध के दूल्हे हैं। लेकिन फिर ऊपर वाला यही कहता है कि भगवान से, ये कहता है कि भगवान से तो डर, भगवान से डरना ही होता है भाई साहब, चाहे कोई कितने भी जादू टोने करे, चाहे कितना भी कोई कुछ करे। हालांकि वो खुश तो हो जाता है कि मैंने जादू टोने किए, लेकिन उसी को ही नुकसान होता है, ज़्यादा नुकसान अगले को नुकसान होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा भाई थोड़ा सा दुख पालेगा, लेकिन उससे कई ज़्यादा दुख वो पीछे वो पाता है, तीन गुना दुख वो पाता है। समझ रहे हो मेरा इशारा? तीन गुना दुख वो पाता है, एक गुना दुख आप पाओगे, तीन गुना दुख वो पाता है। राख का काम आती है ये राख, आप बच्चों के मसल को, आप शिव जी की भूमि है, शिव जी की राख। आप बताओ यहाँ पे राख कहाँ है? अपन घर के अंदर 10 किलो लकड़ी भी जलाते हैं तो 10 किलो लकड़ी जलाते हैं उसकी राख इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है, वो कहाँ, वो क्यों, वो क्या कारण है उसका? उसका कारण यही है कि ये घर के अंदर जलाते हैं अपन लकड़ी, घर में जलाते हैं वो शिव जी के काम में जाती है। ये जो शिव जी की भूमि है, ये देखो शिव जी रमा जाते हैं अपने शरीर, भोलेनाथ भोले शंकर बाबा यही रमा जाते हैं इसको। नहीं तो यहाँ पे राख होके पहाड़ी लग जाए, जैसे वो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, वैसे पहाड़ इकट्ठे हो जाए, उनके पहाड़ इकट्ठे हो जाए। तो ये सब ये राख बच्चों को लगाया जाता है तो चांद मतलब बच्चा ठीक, अच्छा कोई दिक्कत हो तो ठीक होती है, बच्चे के नज़र लग जाए, बच्चे के नज़र लग जाए तो जो ये कोयले होते हैं ना, कोयले, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो कोयले होते हैं ना, पानी का गिलास ले लो आप, पानी का गिलास लेके, और जो बच्चे का ये जो कोयला है ना, कोयला, 7 कोयले लेके उस पानी में डुबो, 7 कोयले निकाल लिए, 7 कोयले का जो वो पानी है ना वो बच्चों को पिला दो आप, नजर नहीं लगेगी उसको, ठीक हो जाएगा। 7 कोयले कहीं से दिया सिर्फ? नहीं वो अग्नि की, चिता की यहाँ तो पिला दें, वो कोयले तो निकाल दो आप, पानी पिला दो, लेकिन वो कोयले से तो गंदा हो जाएगा पानी का। हाँ तो वो तो भैया फिर ऐसे थोड़ी ना, दवाई ऐसे थोड़ी ना होती है, चार अच्छा नजर लग जाती है। कोई अच्छा तो ऐसा कोई करते हैं अभी तक किसी को देखा आपने करते हुए है? ये जो बता रहे हो आप हाँ। ये किसी को देखा है कि जैसा किसी ने कराओ या आपने किसी बच्चे को? नहीं हमने खुद ने इस्तेमाल किया नहीं। अच्छा आपने पिया है वो पानी? हमने नहीं पिया, जैसे मान लो किसी बच्चे के हो गया तो हम तो नहीं करते, लेकिन कोई बताता है कि यार ऐसा करो तो ऐसे हमने अजमाया भी ऐसी बात, जब भी तो हमको मालूम है। क्यों ये जो सिक्के आपने देखते होंगे, सिक्के आप बच्चे के गले में रहता है तो ये सिक्के साथ ये कोई घर के अंदर से थोड़ी लेके छेद करके तो उसमें बच्चे के बांध देते हैं, शमशान का ही सिक्का काम में लेते हैं। अच्छा चिता पे किसी ने सिक्का रखा हो और वो या जैसे मान लो अपन ने सिक्के हैं ना अपने पास में, डेड बॉडी जा रही है, डेड बॉडी के ऊपर अपन ने फेंक दिया, हाँ फेंकते हैं, अब वो डेड बॉडी के ऊपर भी पड़ जाते हैं, वो डेड बॉडी का सिक्का, कई लोग हमारे पास में आते हैं भाई साहब सिक्का मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा सब, क्या लोगे मैं 101 ना मामा पीछे काना मामा चौका होता है, 1 रुपये के हिसाब से चलेगा, लेकिन वो खोटा सिक्का ही 100 रुपये लेके जाएगा। अच्छा ये हड्डी मांगते हैं? नहीं उसकी भी वो दवा होती है भाई साहब, ये नज़र तोड़ने में भाई साहब क्या होता है उसमें, इसमें क्या वो जो हड्डियाँ रह जाती है उसको एकदम बारीक कर लेते हैं पाउडर की जैसे, हाँ बारीक करके, और उसकी भी दवाई बनती है भाई साहब। तो आप क्या मांगने हैं कभी? कई दफे आगे दे देते हैं आप, क्या हो गया अच्छे काम के लिए। अभी जैसे मान लो मेरा ही बच्चा, मान लो भाई मेरे बच्चे की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो वो साहब वो ले गए तो उसके ले जाने से ठीक हो जाएगा वो, यहाँ ऐसे दूसरे लोग भी आते हैं। नहीं वो तो कस्ती चाहे कोई सी भी हो, चाहे पैरों की हो, चाहे सिर की हो, चाहे माथे की हो, चाहे कपाली हो, चाहे कुछ भी हो, होनी चाहिए हड्डी। जब ये राख हो, ऐसा कौन सा शरीर का हिस्सा है जो सबसे आखिर में जाके खत्म होता है? हैं? ऐसा कौन सा हिस्सा है शरीर का आपने आपके अनुभव में ऐसा हुआ कि यार ये सब जल जाता है, ये रह जाता है, या बहुत देर से जलता है, ये ऐसा कौन सा हिस्सा है शरीर का? मर्द का सीना, औरत का पुट्टा, ये लेट जलता है। अपन शमशान में चल भी जाते हैं लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं, ये सब मन के बहम होते। अब हमको तो कोई कुछ नहीं कहता, हम तो 12 बजे भी आ जाते हैं, 1 बजे भी आ जाते हैं, यहाँ पे तो 12 बजे भाई साहब भैया जी लकड़ी देना, भैया जी फावड़ी देना, तो हमको तो चाहे सर्दी गर्मी चौमासा कुछ भी हो हमको तो देना पड़ता है। 24 घंटे की ड्यूटी है भाई, 24 घंटे की ड्यूटी है तो अपन को देनी पड़ती है भाई साहब।
नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बाकी सब मन के भेम है, कुछ नहीं। असली भूत तो अपन है, असली भूत तो अपन है। मैं आपको बोलूँगा, आप मुझे बोलेंगे ये मेरा, ये तेरा, ये फलाना बिगड़ा है, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। तो अपन असली भूत है, बाकी बेचारे वो क्या बेचारे, कोई भूत नहीं, कोई फलित नहीं, कोई कुछ नहीं। मन की सोच है, मन मन है चंगा तो कटौती में गंगा। मन में अगर तुम्हारे पाप है तो कुछ भी दुनिया में कहीं भी चल जाओ आपको पाप ही पाप दिखेगा, और मन में आपके कुछ भी नहीं है। अरे यार ये सब फालतू बातें, भूत। अब जैसे कहते साहब, अरे यार वहाँ पे मत जाना, उधर भूत रहते हैं यार, वहाँ पे डरावनी बात डरावने हैं, भूत पलित रहते हैं। तो ये सब मन की भेम है, कोई भूत पलित नहीं है तो अपन चल जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है। तो इस तरीके से चाहे कोई कितना भी डेड बॉडी आओ, चाहे कितनी भी डेड बॉडी मत आओ, सब जाने वाले जाते हैं, आने वाले आते हैं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। और रही बात डेड बॉडी की, तो डेड बॉडी की आप डेड बॉडी के दाग में अभी मान लो 100 आदमी आते हैं, तो आते ही हैं। अगर वो ये सोच ले तो वो क्यों जाएंगे शमशान घाट के अंदर भाई। कोई डेड बॉडी जाती है तो उस डेड बॉडी के कोई रिश्तेदार भी होंगे, कोई परिजन भी होंगे, है और भी कोई होंगे आस पड़ोस के, तो वो क्यों जाते हैं वहाँ पे उनके साथ में? उनको नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि शमशान में जाना गुना, ठीक है गलत है? तो मेरे हिसाब से तो ये सब फालतू की बातें हैं, ये खेने की बातें हैं। आप शमशान में जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शमशान तो शिव जी की भूमि है, वहाँ पे तो भूत भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, सब रहते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं मुझे देख लो नहीं यार, मैं छोटे से बड़ा हो गया यार, यहाँ पे मीठा भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, और कोई मीठा खा के शमशान में मत जाना, भूत लड़ जाएगा। यहाँ तो कोई भूत आता है ना कोई पलित आता है, कोई नहीं आता है, तो जीते जी आदमी दुश्मन है, वही भूत है, वही सब कुछ है, वही दुश्मन है, बाकी कोई कुछ भी नहीं आज के टाइम पर, कोई भूत ना कोई पलित, भैया सब सही है, कोई गलत नहीं है, सब अपनी जान में मस्त है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा परिवार वैसे तुम रामगंज में, हमारी हवेली है खुद की, और यहाँ पे तो क्या है बता रहा हूँ ना, अब 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी है हमारी, तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे सेवा तो देनी पड़ती है ना, 24 घंटे सेवा देनी पड़ती है, तो 12 बजे भी आ जाते हैं, 1 बजे भी आ जाते हैं, तो उनको लकड़ियाँ देनी पड़ती है ना। हम अच्छा। तो लकड़ियों के ठेकेदार हैं, लकड़ियाँ सप्लाई करते हैं। अच्छा, लकड़ियाँ देते हैं हम यहाँ पे। तो आपके बच्चे? बच्चे बच्ची सब घर पे हैं। घर पे हैं, तो वो क्या करते हैं? अभी पढ़ रहे हैं। उम्र क्या होगी? 1 की 6 साल, 1 की 2 साल। उनको आप आगे कहाँ देखते हो? मैं इनको इस लाइन में नहीं डालना चाहूँगा, हमने हमारी ज़िंदगी जो गुजार दी यहाँ पे बहुत है, लेकिन हम हमारे बच्चों को अब ये सोच रहे हैं कि इनको दूसरी लाइन में यानी अलग ही डालें, पढ़ा लिखा के उनको कुछ अच्छा बनाएं। हमारे परिवार में सबने यही काम किया है, तो अब ये थोड़ी ना कि अपन भी यही काम करें, हमारे बच्चे भी ये काम करें, उनको कोई अच्छी नॉलेज देंगे, अच्छा काम में लगाएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और फिर उन पर छोड़ देंगे, उनकी इच्छा है जो चाहे वो करें। हमारी इच्छा से माँ बाप की इच्छा ये होती है कि हमारा बच्चा खेले कूदे बढ़े और पढ़े और बढ़े, है फिर अगले का अगले की एनर्जी क्या कहती है, मैं अगले की मेमोरी क्या कहती है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो उनकी अगले की इच्छा है, उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता। जो दारू पीने वाले होते हैं, शराब पीने वाले रहते हैं, स्मैक पीने वाले, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार तुम क्यों माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो? माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तुम माँ बाप के लिए तुम क्या कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो तुम तुम्हारे माँ बाप के लिए? हमारे माँ बाप के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बचपन में तुमको पैदा करके तुमको पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया कि तुम उनके लिए कुछ करो, है लेकिन तो उनके लिए जो दारू पीते हैं उनको मैं ये कहता हूँ यार ये दारू पानी छोड़ो, कोई अच्छा काम करो, उनको ये सीख देता हूँ। और जैसे और वगैरह मतलब उल्टे सुलटे जो काम करते हैं, जुआ खेलना, दारू पीना, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार ये शौक मत करो, आप अच्छे रहो। आज मेरी ज़िंदगी में मैं अपने मुँह मुँह या मिट्टू कहते हैं ना जिसको, वो मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी में अभी तक देख लो मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन मैंने ड्रिंक का, बीड़ी सिगरेट का किसी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, और मैं सबको यही सलाह दूंगा, क्योंकि पहले खुद साफ़ सुथरा होगा तो वो दूसरे को साफ़ सुथरा रखने की बोलेगा। अब खुद गुरु जी बैंगन खाए दूसरे को शिक्षा दे, ऐसा मैं नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि बस अब मैं साफ़ सुथरा हूँ तो मैं अगले को भी ये कहूँगा भैया ये काम मत कर, अच्छा काम कर, माँ बाप का नाम रोशन कर। ऐसे में माँ बाप का नाम रोशन थोड़ी होता है, ऐसे तो माँ बाप का नाम डूबता ही। मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई सबको अपन एक ही राय देते हैं, अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो। अब कोई अगर डेड बॉडी कोई भी हो, चाहे अपने घर की हो चाहे बाहर की हो, सबको एक समान देखो, सबको एक तरह से उसके साथ रियायत बरतो, क्योंकि अच्छे करने वालों की तो हार नहीं होती, अच्छे करने वालों की हार नहीं होती है, बुरे लोग हैं, बुरे लोग को तो भगवान ही देख लेता, आज नहीं तो कल देखेगा। झूठ के पैर नहीं होते, सच होता है, सच अपने हिसाब से चलता है, पर झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, सच है, सच अपनी जगह पर कायम रहता है, हालांकि सच को दुख पड़ा पड़ता है, लेकिन सच का कोई बार बात नहीं कर सकता।
दिन टुकराएगी मौत, महबूबा अपने साथ लेके जाएगी, मर के जीने की अदा तो दुनिया को सिखलाएगी, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो मौत तो सबको आनी है, इसकी में तो कोई उसको तो कोई टाल नहीं सकता, जो भगवान ने लिख दिया, जो तकदीर ने लिख दिया, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो ये सत्य है, मौत सबको आनी है, तो इसलिए सब अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छा खेलो, अच्छा कूदो और अच्छा ही काम करो, जिससे क्या है कि मरने के बाद में भी लोग तुमको याद करे, ये बंदा कोई था, ये बंदा कोई है, जैसे महात्मा गांधी आज वो कहाँ है, नहीं है ना यहाँ पे, लेकिन आज भी 100 के नोट पे, 500 के नोट पे, 50 के नोट पे ऐसे छप रखे जैसे कोई भगवान, वही है परमपिता महात्मा गांधी, और परमपिता के नाम से जाने जाते हैं वो, वही भगवान हो गए, वही पिता हो गए, राष्ट्रपिता वही तो है। तो ऐसा कुछ करके जाओ जिसमें आपका नाम हो, आपका आपको लोग याद करें। तो यही मैं तो हमेशा ये कहूँगा भैया, खुश रहो, खुश रहने दो, जियो और जीने दो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो, पढ़ो लिखो, बस यही मैं तो ये कहूँ, हमेशा अच्छा ही बने के रहो, बस मैं तो ये कहूँगा, और क्या कहूँगा, इसके अलावा और कोई दूसरा विचार करूँ, क्योंकि आना सबको है, क्योंकि आना सबको एक दिन, क्योंकि आना सबको एक दिन यहीं पर ही है, सबको यहाँ पर ही आना है, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब मरने के बाद यहीं पर आना है उनको।